वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सो नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब आज की हमारी क्लास 3 है तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं देखिए। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, कहता है एक्स और वाई जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि इनकी जो वैल्यू रहेगी वो आपकी पॉजिटिव एक्सिस में लाई करेगी, यानी कि जीरो से बड़ी रहेगी जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, अब समीकरण आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो 11 है। ठीक, आपको पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। बच्चे ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, राइट, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये मेथड थोड़ा आपको बड़ा पड़ेगा, ये मेथड बड़ा पड़ेगा, ट्रेडिशनल मेथड है। तो मैं आपको ट्रेडिशनल ना करवा के डायरेक्ट स्मार्ट तरीका बता देती हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल तो मैंने सीसेट वाले कोर्स में भी करवाया ही है ना, वो मैं क्यों बता रही हूँ। मैं आपको डायरेक्ट स्मार्ट वे बताती हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो 11 है। सिंपल इन्हें खोल दो। खोलना कैसे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये 11 है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे ये दो नंबर्स हैं, अब इन दोनों नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 आता है। अब 11 जो है वो एक आपका प्राइम नंबर है, यानी कि इसके एक और 11 के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई करने पे एक आपका 1 आएगा और एक आपका 11 आएगा। सिंपल सी बात है। तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि x माइनस वाई जो है वो 1 है और x प्लस वाई जो है वो 11 है। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि 11 इंटू में 1 करेंगे तब ही 11 आएगा। तो ये सॉल्व करना है, राइट, इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएंगी। या फिर ये मान के चलो कि आपका x जो है वो 6 है, y जो है वो 5 है। क्यों? क्योंकि 6 में से 5 गया, एक कम करेंगे और 6 और 5 11 होते हैं। बात तो वही आ रही है, इसको सॉल्व कर सकते हो तो भी आंसर वही आएगा। बच्चे मैं आपके केवल स्टेप्स कम करवा रही हूँ, तो x की वैल्यू 6 आ गई। ये ना करके डायरेक्ट एज्यूम भी कर सकते हो, x माइनस वाई यानी 6 माइनस 5 1 और 6 प्लस 5 11 है ना। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 5। आपको पूछा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फॉर्मूला वैल्यू क्या होगी। तो x की जगह पे 6 रखो, 6 6 36, y की जगह पे 5 रखो, 5 5 25, दोनों को ऐड कर दो 61। ऑप्शन नंबर c आपका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट, एक घन के प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट होगी। क्यूब है, घन है, क्यूब आपका एक 3D फिगर होता है जिसके सभी साइड्स जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो होता है आपका 6a² जिसमें a जो है वो आपकी साइड है। ठीक है, तो हर एक साइड जो है वो क्यू का 50% बढ़ा दिया। तो मान लीजिए क्यू का जो प्रीवियस साइड है पहले वाला वो सिर्फ और सिर्फ ए है, फिर वो 50% बढ़ गया, तो 50% जब वो बढ़ा तो वो ए प्लस 50a/100 हो गया, यानी कि 1/2/a, यानी कि ये हो जाएगा 3/2a। सिंपल, ये नई वाली इसकी साइड आ गई, सरफेस एरिया बड़ा है,
पहले ये 6a स्क्वायर था, पहले, बाद में ये क्या हो गया 6 है, a की जगह पे 3/2 हो जाएगा का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 3 × 9, 2 × 4 a स्क्वायर, तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो 9 × 3 = 27 बटे में 2 a स्क्वायर, ये नया वाला आ गया आपका। तो ये देखो, ये पुराना है, ये नया है। आपको बोला है परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीज में दोनों का डिफरेंस ले लो, यही तो होता है परसेंटेज इंक्रीज, 27/2 a² माइनस 6 a² अपॉन में, किसके कंपैरिजन में ले रहे हैं, तुलना किसके कंपैरिजन में कर रहे हैं, पुराने वाले की, ये ठीक है, इनटू में 100, तो ये यहां पर हो जाएगा 6 × 12, यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना, ये 6 × 12 हो जाएगा, ये इसमें से कम हो जाएगा, तो 15 a² अपॉन में 6 × 12 a², क्योंकि ये 6 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, ठीक, 3 × 5 = 15, तो 25 × 5 = 125, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, क्लियर, ऐसे करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3 सर्कल्स हैं, अब ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आपके सामने, 3 सर्कल हैं विद सेंटर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली, बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि मैं यहां पर बना देती हूं, ये देखो एक सर्कल ये है, ठीक, ठीक, एक सर्कल आपका ये है, ठीक, और एक सर्कल आपका ये है जो ऐसे टच कर रहा है बाहर से ऐसे, ठीक है, ये भी सर्कल है, क्लियर, एक का सेंटर है ए, एक का सेंटर है बी और एक का सेंटर है सी, ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये आपका यहां पे बन गया, राइट, कहता है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ए, इसका सेंटर ए है ना, इसका रेडियस आपको पता करना है, इसका यानी कि रेडियस यानी कि ये वाला हिस्सा आपको पता करना है, तो ये और ये तो बराबर ही है, ठीक, इसको आप P मान लो, इसे Q मान लो, तो AP और AQ तो बराबर है क्योंकि दोनों ही रेडियस है, राइट, और इसे R मान लो, ठीक। अब एक बात समझो बच्चे, यहां पे लिख देती हूं, देखो AP प्लस PB ये है कितना 5, समझ में आ रहा है ना, AP और ये PB कितना है 5, AQ और QC ये कितना है 6, BR और RC ये कितना है 7, क्लियर। अब आपको पता है कि AP और AQ जो है वो बराबर हैं आपस में, ठीक, PB और QC ये अलग अलग हो गए, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन बराबर क्या है, BR किसके बराबर है, RC के, नहीं, BR बराबर है किसके, PB के, तो ये BR की जगह मैं PB रख दूं और ये RC कर दो तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी, सिंपल है, इनको ऐड करो
ठीक है, ऐड करके कर लो या तो ये तो एक हो जाएगा, ये पीबी और बीआर ये एक हो जाएगा, क्यूसी और आरसी एक हो जाएगा, यानी कि टू ए क्यू प्लस पीबी प्लस, ठीक है ना, पीबी और बीआर बराबर है तो मैंने इनकी जगह रख दिया, और क्यूसी और आरसी बराबर है तो मैं सिंपल यहां पर क्यूसी भी रख सकती हूँ, ये बराबर हो गए। तो 6 और 5 11 और 7 18, यानी कि इन तीनों की वैल्यू जो है वो यहां पर कितनी आ गई, 9 आ गई, मिलाकर 9 वैल्यू आ गई। ये आपका ए क्यू प्लस पीबी प्लस क्यूसी, ये आपका आ गया 9, ठीक। ए क्यू प्लस क्यूसी आपका 6 है, तो पीबी कितना आ गया, 3 है ना। तो ये पीबी आपका अगर 3 आ गया, ये टोटल कितना है, 5, तो 5 में से 3 कम करेंगे 2, यानी कि एपी रेडियस वो कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, ऐसे करना है। नेक्स्ट, कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है ये नॉर्मल एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल है। ट्रायंगल भी तीन तरीके के होते हैं, एक्यूट ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकता है, अभी जानकारी नहीं है। कहता है ए बी जो है वो 9 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 40 सेंटीमीटर है, और ए सी जो है वो आपका 41 सेंटीमीटर है। तो आपका ये त्रिभुज कौन सा है। अब देखो आपका जो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम होती है वो आपकी यहां पर लग रही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो अगर मैं बच्चे इसे यहां पर अगर मैं आपका ये बनाऊं, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इसमें बच्चे यहां पर आप देखो कि 9 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है, और ये यहां पर 41 है, और अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूं तो 41 का स्क्वायर 1681, ठीक है, 40 का स्क्वायर 1600 और 9 का स्क्वायर 81। अब एक बात समझो यहां पर कि 81 प्लस 1600 इनको ऐड करती हूं तो 1681 आता है, जो कि 41 के स्क्वायर के बराबर है। यानी कि यहां पर मेरा ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये एलिजिबल हो गया, ये यहां पर फिट हो गया। और ये आपका कब एप्लीकेबल होता है, जब आपका ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, समकोण वाला त्रिभुज है ये, जो कि मैंने आपके सामने बनाया है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। क्लियर बच्चे, समझ में आया, आओ चलो नेक्स्ट। अब आपको यहां पर सरल रेखाएं याद करनी है कि सरल रेखाएं कौन सी है? सिंपल है, ये आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको ट्रायंगल्स काउंट करने बताए हैं, आपको मैंने रेक्टेंगल्स काउंट करना बताया है, स्क्वायर्स काउंट करना बताया है, पूरा मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में करवाया है, यानी कि जो सीसेट का कोर्स है उसमें कंप्लीट थ्योरी में मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको काउंट करना है। अब बच्चे यहाँ पर आपको सिंपल रेखाएं, स्ट्रेट रेखा, स्ट्रेट लाइन्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे होगा, देखो लाइन फाइंड आउट करने का एक तरीका ये भी है, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि यहां से यहां तक एक लाइन हो गई और यहां से यहां तक दो लाइन हो गई, ये नहीं करना। लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और लाइन का जो फाइनल पॉइंट है, जहां तक लाइन जाएगी वो आपका एक ही लाइन माना जाएगा। तो अब इसको देखो, मैं इसको ग्रीन कलर से ही करूंगी ताकि आपको ये समझ यहाँ पे दिखे आराम से, है ना।
तो ये देखो, ये पहली लाइन ये है एक, ये आपकी दूसरी लाइन, क्योंकि यहीं पर जा रही है, उसके बाद नीचे स्ट्रेट आ गई, ठीक, दो लाइन हो गई। अब ये जो लाइन है ना बच्चे, ये नीचे तक जा रही है, ये लाइन, तो ये तीन, चार, ये पांच, पांच लाइनें आपकी इस तरीके से हमने निकाल ली, ठीक। अब देखो रेड से करूंगी, छ, सात, आठ, नौ, ठीक। अब दस, ग्यारह और एक बारह, टोटल कितनी लाइन है ये, बारह लाइन। चलिए नेक्स्ट, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, देखो दो तरीके के होते हैं इसमें, एक होती है नंबर सीरीज जिसमें नंबर्स फाइंड आउट करना होता है, उसमें आपको प्रॉपर एक लाइन नंबर्स की सीरीज दी रहती है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है। इसमें कोई सीरीज नहीं है, ये फिगर्स में नंबर होते हैं और इसमें कोई बीच में एक नंबर आपका गायब होगा, वही नंबर आपको फाइंड आउट करना है। उनमें एक प्रॉपर लॉजिक होता है, प्रॉपर एक ऑर्डर होता है। अब जैसे यहाँ पर ये पता करना है आपको क्या आएगा, तो बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया है, मिसिंग नंबर में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, प्लस, क्यूब भी कर लेते हैं कई बार मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेते हैं, कई बार एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दे तब भी आंसर आ जाता है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बच्चे 17 और 5 होता है 22, 22 और 9 होता है 31, यानी कि इन तीनों नंबर्स को जब मैंने ऐड किया तो मुझे यहाँ पर 31 मिला। दूसरे वाले में देखूं तो 21 और 23 हो गया 24, और 24 और 7 होता है 31, यहाँ पर भी 31 आ गया। तीसरे वाले में देखो 16 और 7 होता है 23, 23 और 8 होता है 31, यहाँ पर भी 31 आ गया। तो एक बात मुझे यहाँ पे समझ में आ गई कि जितनी भी रोज हैं, यानी कि ये जो पंक्तियां हैं, ठीक, इनको जब मैं ऐड करती हूँ तो आंसर 31 ही आएगा। अब 10 और 6 कितना होता है 16, और लाना कितना है मुझे ऐड करके 31, तो कमी कितने की है 15 की, सही आंसर क्या आ जाएगा 15, ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले टॉपिक से है ये क्वेश्चन। कहता है ए इज शॉर्टर देन डी, ठीक, ए जो है वो डी से छोटा है। अब छोटा है तो भैया नीचे लिखा जाएगा डी से, बट टॉलर देन सी, लेकिन सी से बड़ा है ये, ठीक। डी जो है वो बी से छोटा है, तो भाई बी से छोटा है तो बी के नीचे लिखा जाएगा, लेकिन ए से बड़ा है तो ऑब्वियसली ए से बड़ा है तो हमने लिखा है यहां पर, ठीक। बी जो है वो ए से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, सही कर रहे हैं हम, क्वेश्चन सही पढ़ा हमने। ए इज शॉर्टर देन डी, ए जो है वो डी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए, ठीक है। बी जो है वो ए से छोटा है, अरे बी जो है वो ए से छोटा है बट टॉलर देन सी, लेकिन सी से बड़ा है, तो टू टॉलेस्ट कौन से होंगे। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है बच्चे, अगर मैं हिंदी और इंग्लिश में देखूं ना तो यहाँ पर गड़बड़ है, ऊपर इंग्लिश में ई नहीं है, इस वजह से हमारी इक्वेशन यहाँ पे गलत आ गई। ई है ना, हमें इसके हिसाब से करना, देखो ऊपर ई नहीं है नीचे ई है, तो हम नीचे वाले से करते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये गलत हो गया है ऊपर वाला क्वेश्चन, इस वजह से हमारा वो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पा रही है। यहाँ पे देखो ए जो है वो डी से नाटा है, हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डेटा है। ए जो है बच्चे डी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, डी जो है वो बी से छोटा है परंतु ए से लंबा है, ई जो है वो ए से छोटा है, तो यानी कि इसके बीच में आएगा,
परंतु सी से लंबा है तो ए जो है ए और सी के बीच में है ना। देखो ए फिर ई आएगा फिर सी आएगा, तो दो सबसे लंबे कौन है, तो सबसे लंबे हैं बी और डी। बी और डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ गया। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग होने की वजह से इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ है। अभी ये क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट, विच नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो मैं यही आपको बता रही थी कि नंबर सीरीज जो है उसमें नंबर्स दिए रहेंगे और आपको पता करना है कि उसका अगला यहाँ पर नंबर क्या होगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर देखो आपको सीरीज दे रखी है 3, 8, 5, 7 ठीक, 8, 5 और 12, और आपको पूछा है यहाँ पर क्या आएगा। पहले नंबर 3 है, फिर 8 हुआ यानी कि नंबर बढ़ गया, फिर नंबर अचानक से कम हो गया, फिर नंबर बढ़ गया, है ना। तो जब जनरली जब इस तरीके की सीरीज होती है तो उसमें हम ऑल्टरनेट देखते हैं, उसे हम ऑल्टरनेट सीरीज भी कहते हैं। उसमें क्या होगा आप देखो, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 12, है ना। तो इसमें देखो 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, ये तो एक सीरीज मिल गई हमको। दूसरी सीरीज क्या है, पहले है 8, फिर 7, फिर 5 और फिर आपको पूछा है कि क्या आएगा। तो 8 से 7 में गए हैं -1 ठीक, 7 से 5 में गए तो -2, तो जब -1 है -2 है तो नेक्स्ट में -3 आएगा, तो 5 में से 3 कम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया आपके, चलिए इंग्लिश में करते हैं। फिर से वही जो अंडरलाइन वर्ड है, इसमें अंडरलाइन वर्ड है आफ्टर, ठीक है। इसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। कहता है ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो बच्चे टेक्स आफ्टर जो होता है ना ये जनरली रिजेम्बलेंस को शो करता है। मैं आपको यहाँ पर ही बता देती हूँ, देखो ठीक, जब कोई घर में जो कोई बूढ़ा होता है, कोई बुजुर्ग होता है, उसी के आकार पे, उसी के नैन नक्श पे, उसी के फीचर्स में जब कोई छोटा होता है तो उसे हम कहते हैं टेक्स आफ्टर। तो ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो ये आपका क्या है, एक प्रपोजिशन है, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है जो एज अ प्रपोजिशन यहाँ पर यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको सही यहाँ पर फिल अप करना है। द रूल इज एप्लीकेबल डैश एवरीवन, ये जो नियम है ये सभी पर लागू होता है। तो जब हम बात करते हैं सभी की, ठीक, तो वहां पर टू आ जाएगा, एप्लीकेबल टू एवरीवन, द रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। नेक्स्ट, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट फॉर्म में, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड, उसने कहा, अलास आई एम अंडर, मुझसे नहीं हुआ, तो उसने दुखी होके कहा ये बात। तो अब यहां पर देखो बच्चे, अब दुखी होके बात हो जाती है, अलास, हुर्रे, ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइंस है। तो जब हम इनका यूज करते हैं तो एक्सक्लेमेशन टाइप कुछ वर्ड आता है, तो लेमेंटेड यानी कि ये इसने बहाना नहीं बनाया है, राइट। He felt sorry to say that he is done. तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब his आ गया है, ये भी गलत है, ठीक है। He repeated and said I am done. No. He exclaimed sadly. वो दुखी होके उसने ये व्यक्त किया that. अब I है first person, change according to the subject, तो ये he हो जाएगा। अब he के साथ हमको past tense लिखना है be का, तो वो was आ जाएगा और उसके साथ under, right? तो option number B आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। व्हाई डिड यू नॉट गिव हिम प्रॉपर एडवाइस, आप उसे प्रॉपर एडवाइस, एक प्रॉपर सलाह क्यों नहीं देते हो। देखो अब ये आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि जिसमें
क्वेश्चन मार्क आपका यूज किया गया है, राइट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपके दो तरीके से होते हैं, एक आपका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, एक आपका जो WH फैमिली से स्टार्ट होता है। तो ये आपका WH फैमिली वाला है। यहाँ पर वाई है तो शुरुआत वाई से ही होगी, सब में वाई है, उसके बाद बचे। अब इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट क्या है, हिम है ना, तो ये हिम आपका ही होगा, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। ही के साथ यहाँ पर वॉज या वर क्या लगेगा, वॉज लगेगा, तो वॉज आएगा। तो वाई के बाद क्या आएगा, वॉज आएगा। वॉज के बाद यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव फॉर्म है तो इसका जो जो सिंटेक्स है वो भी चेंज होगा, राइट। तो वॉज ही नॉट गिवन प्रॉपर एडवाइस बाय यू, यू का यू रहेगा, राइट। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। चलिए हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। कहता है आपका अधीनस्थ जो है, योर सबॉर्डिनेट, छुट्टी चाहता है, ठीक है, पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का जो काम है वो प्रभावित होगा, क्योंकि वह उस काम के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन, एक मुख्य व्यक्ति वही है। अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आपको उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित कर दें, ठीक है, या आप उसकी छुट्टी मंजूर कर दें, या फिर आप दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहें, या फिर उसे मिलें, छुट्टी के कारण पूछें कि क्या वजह है, क्यों छुट्टी लेना चाहता है, और उसे कन्विंस करें कि भाई छुट्टी मत लो, राइट। उसे मनाने का प्रयास करें, नहीं माने तब तो छुट्टी देनी ही है, राइट। अब बच्चे यहाँ पर देखो, स्पेशल मेंशन है कि काम के लिए वो मुख्य व्यक्ति है, यानी कि काम तो प्रभावित होगा। अब जब काम के बारे में बात की गई थी, यानी काम को हमें इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, तो आप उसे उच्च वरिष्ठ को एकदम से नहीं सौंप सकते हैं, क्योंकि वो आपका सबॉर्डिनेट है, तो आप उसे हैंडल करेंगे। आप उसकी छुट्टी मंजूर एकदम नहीं कर देंगे, क्योंकि काम आपका इफेक्ट होगा, राइट। दूसरे व्यक्ति को उसका काम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उस काम के लिए वही एक मुख्य व्यक्ति है। तो आप क्या करेंगे, उससे मिलेंगे, उसके छुट्टी के कारण पूछेंगे, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो बाद में भी छुट्टी ले सकता है, उसे कन्विंस करेंगे कि भाई अभी छुट्टी मत लो, अभी काम ज़्यादा है, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है, कौन सा, एक है, दो है, तीन है, ठीक है। कहता है यह कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है, इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना, यह नीति निर्माण का पर्यायवाची है। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू अबाउट डिसीजन मेकिंग। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि लगे कि भाई हिंदी मीडियम को पढ़ा रही हूँ, मैं तो बाइलिंगुअल पढ़ा रही हूँ, तो मुझे दोनों को लेके चलना है, ठीक है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू अबाउट डिसीजन मेकिंग। अब इट इज एन एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, राइट। अब बच्चे देखो, डिसीजन मेकिंग के बारे में यहाँ पर बोला गया है, यानी कि जब हम किसी चीज को लेकर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो कहता है कि क्या ये एक कोर्स ऑफ एक्शन है, बिल्कुल है। हमने सारे पॉइंट्स देखे, सारे व्यूज देखे, उसके बाद हम एक निर्णय पे पहुंच गए, तो वो हमारा डिसीजन हो गया ना, वो कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। तो हाँ, ये कोर्स ऑफ एक्शन है। इट इज एन एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, इट मींस चूजिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव। ऑब्वियसली डिसीजन हम कब लेते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट्स हो, ठीक है, हमारे पास चॉइसेस हो, ऑप्शंस हो, उनमें से एक को चुनना है डिसीजन मेकिंग, राइट, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग क्या सिनोनिम है पॉलिसी मेकिंग का, सिनोनिम होता है जिसका सेम मीनिंग होता है, सेम अर्थ होता है। तो क्या डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग सेम होता है, नहीं। पॉलिसी मेकिंग किसी चीज के ऊपर पॉलिसी बनाना, दैट इज डिफरेंट थिंग, इट इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, वन एंड टू, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। कहता है अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं वो स्वार्थी हैं। जितने आदमियों से ये मिला अब तक वो सभी स्वार्थी थे, दे ऑल आर सेल्फिश। अतः मैं यह अनुमान क्यों ना लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी है। अब इस तरह का जो इमोशन रहेगा या जो फैलसी रहेगी वो क्या कहलाएगी, मतलब एक आदमी को जितने आदमियों से मिला बेचारे को धोखे ही मिले। अब धोखे मिलने के बाद उसने ये कहा कि
जिन भी आदमियों से मिलता हूँ सब धोखे देते हैं, इसका मतलब सारे आदमी सेल्फिश हैं, ठीक है। तो अब ये जरूरी तो नहीं है कि दुनिया के सारे ही आदमी स्वार्थी हो गए, सारे ही आदमी सेल्फिश हो गए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। उसकी उसके एक्सपीरियंसेस गलत हैं, लेकिन सब तो ऐसा नहीं हो सकते। तो इस तरीके की जो फैलेसी होती है वो होती है इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यकरण, यानी कि इसमें हम सबको एक ही कैटेगरीज में रख देते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक पर्सन मोटरसाइकिल में कहीं जा रहा था रास्ते में, अब उसको रास्ते में कुछ गुंडों ने उसकी बाइक रोक के उसको लूट लिया, राइट। अब सुनसान रास्ते पे वो जा रहा था, तो अब उसके मन में ये बात आ गई कि जब भी सुनसान रास्ते पे जाएंगे तो कोई ना कोई उसे लूट लेगा। तो ऐसा हर बार तो संभव नहीं है, हर बार तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, या ऐसा सबके साथ होता है क्या कि सबको सुनसान सड़कों पर रोक के लूट लिया जाता है? ऐसा नहीं है। ये तो वो बात हो गई कि सबको हमने एक ही कैटेगरी में रख दिया, है ना। तो अवैध सामान्यकरण है भाई, इसकी कोई वो नहीं है, इलिसिट जनरलाइजेशन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं अतः बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। अब एक पर्सन की बेड पे लेटे लेटे डेथ हो गई, किसी और का केस सुना तो वो भी भाई बेड पे लेटे लेटे चल बसा, ठीक है। तो कहता है कि बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि बिस्तर पे जितना लोग लेटेंगे वो मर जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये भी किसकी फैलेसी है? इट इन्वॉल्व्स नॉन ऑब्जर्वेशन एंड इलिसिट जनरलाइजेशन, ठीक है, अनरीक्षण और अवैध सामान्यकरण। इसमें भी वही बात है कि आपने चीजों को जनरलाइज कर दिया कि ऐसा उसके साथ हुआ है तो सबके साथ होगा, ऐसा अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ हुआ है तो वो दूसरी चीज भी किसी और के साथ होगी, पर ऐसा नहीं होता, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी, क्लास 4 में नेक्स्ट में मिलती हूँ।